So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this particular video we are going to talk about the chloroplast. Last lecture में हमने plastids के बारे में पढ़ा और plastids के अलग-अलग types के बारे में जाना कि chloroplast क्या होता है, chromoplast क्या होता है, leucoplast क्या होता है. Leucoplast के अंदर भी हमने detailed analysis किया आपके alluroplast का, amyloplast का और उसके साथ-साथ elaioplast का. आज आपके syllabus में जो अलग से ऑर्गेनेल है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस इससे ऑलरेडी पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी अपने काफी सारे काम खुद कर सकता है. सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि इसके पास खुद का डीएनए होता है. और वो डीएनए कैसा होगा, हम लोगों को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से पता है कि ये जो डीएनए है ये आपका सर्कुलर होगा, बिहेविंग लाइक अ सिंगल क्रोमोसोम. तो ये इसका डीएनए हो जाएगा जो कि हेल्प करेगा आपके क्लोरोप्लास्ट को खुद के प्रोटीन्स बनाने में. और खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट के को यू नो खुद की फैक्ट्रीज भी चाहिए, तो यहाँ पर खुद के राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे. एंड सिंस इट इज एन ऑर्गेनुलर राइबोसोम तो ये भी आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह 70S होगा. ओके तो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का यू नो सर्कुलर डीएनए, खुद के कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स और खुद के राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे जो कि 70S होंगे नेचर में. इसीलिए इसे भी सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है. इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं विच आर आल्सो कॉमन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. पहली बात यह कि दोनों की दोनों एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी जैसे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थी और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थी, सेम उसी तरीके से यहां पर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है. जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बाहर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी ज्यादा परमिएबल होगी और अंदर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी कम परमिएबल होगी. वी नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम द प्रायर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू कंसीडरेशन. अब हमें थोड़ा सा एडवांस बातों में जाना है, कुछ ऐसी बातों के बारे में जानना है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है. तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारी चीजों का. तो गाइज अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली ओजोन क्लासेस नाम से सर्च भी कर सकते हैं. अगर आपने मेरे दूसरे चैनल यानी कि ओजोन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट आप लोगों का इंतजार कर रहा है. एंड इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम और आप दोस्ती यारी बातचीत करना चाहते हैं तो विपिन शर्मा बायोलॉजी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. तो आइए बात करते हैं प्रयास बैच के नए लेक्चर की जो कि है अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें क्लोरोफिल होती है. अब ये जो प्लास्ट टर्म है ये कहां से आई है, प्लास्ट टर्म आपके प्लास्टिड से आई है, जाहिर सी बात है स्पेलिंग से ही पता लग रहा है. और ये जो टर्म है क्लोरो, ये क्लोरो टर्म आपकी क्लोरोफिल से आई है. ओके क्लोरोफिल से आई है क्योंकि ये आपका एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें आपका क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट बहुत ज्यादा अबंडेंट होता है. ये बात कहना बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा कि क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल होता है. यहाँ पे आपकी जेंथोफिल भी देखने को मिलते हैं, कैरोटीनॉइड भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अबंडेंट जिस वजह से नाम पड़ा है वो आपका क्लोरोफिल है जो कि इसे ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करता है. ओके सो दिस क्लोरोप्लास्ट आर अबंडेंट इन मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल मतलब आपके लीफ के वो सेल्स हैं जिनके अंदर एक्चुअल में काफी सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं. मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट इतने अबंडेंट होते हैं कि इनका नंबर 20 से 40 तक हो सकता है. यानी एक मेसोफिल के सेल के अंदर यू नो आपके चारों ओर क्लोरोप्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट आपके प्रेजेंट होते हैं. दे आर वेरिएबल इन लेंथ एंड दे आर मच बिगर इन साइज एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया. तो इनको स्पेसिफिकली आपको स्टेन करने की जरूरत नहीं पड़ती. इनकी लेंथ जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 से 10 माइक्रोमीटर है, जबकि आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे ज्यादा आपको यू नो लेंथ देखने को मिली थी दैट वाज अराउंड 4.1 एंगस्ट्रॉम, तो आपका ढाई गुना से भी ज्यादा तो इसकी मैक्सिमम लेंथ हो गई. और विड्थ आपकी वहां पर जो एवरेज विड्थ थी वो 0.5 माइक्रोन थी, लेकिन यहां पर आपको 2 से 4 माइक्रोन विड्थ देखने को मिलती है. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि क्लोरोप्लास्ट इज मच बिगर एज कंपेयर टू दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सिंपल कंक्लूजन आपका ये निकलता है. जो नंबर है क्लोरोप्लास्ट का ये आपका एक भी हो सकता है, कि समझ लीजिए कोई यूनिसेलुलर अल्गा है, अगर है ही उसमें सिंगल सेल तो उसमें बहुत ज्यादा कोई आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेंगे. जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, इसमें आपको एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल देखने को मिलता है मैक्सिमम. लेकिन अगर आप बात करेंगे मेसोफिल सेल्स की तो मैंने आपको ऑलरेडी जैसा बताया है 20 से 40 भी आपके क्लोरोप्लास्ट एक मेसोफिल सेल में देखने को मिल सकते हैं. एंड दिस इज ओनली अ रेंज, काफी बार आपके 40 से ज्यादा भी आपके यू नो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिले. शेप जो है आपके क्लोरोप्लास्ट की ये भी वेरिएबल है. ये टॉपिक आपका प्लांट किंगडम का है, वहां पर आप जब
एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपका ये टॉपिक वहां पर जिक्र में आता है, तो ये मैंने प्लांट किंगडम से यहाँ पर उठाया है, तो इसे हम यहाँ पर भी कर लेंगे और आपका प्लांट किंगडम में भी कर लेंगे, जिससे आपका दो तरफा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपका कप शेप हो सकता है आपका क्लोरोप्लास्ट क्लैमाइडोमोनास में, सो सी फॉर कप एंड सी फॉर योर क्लैमाइडोमोनास। आपका स्पाइरल शेप हो सकता है स्पायरोगायरा में, तो स्पायरोगायरा में स्टार्टिंग के तीन अल्फाबेट है SPI और स्पाइरल में भी आपके आगे के तीन अल्फाबेट है SPI, तो इसमें भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। रेटिकुलेट होता है आपका ओइडोगोनियम में, ओके सो रेटिकुलेट आपका ओइडोगोनियम में होता है। ये रेटिकुलेट मतलब जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेटिकुलर स्ट्रक्चर थे, सेम इस तरीके का। देन आपका स्टिलेट होता है आपका जाइगोनिमा में, स्टिलेट का मतलब है आपका थोड़ा स्टार शेप होता है जाइगोनिमा के अंदर। एंड आपका गिर्डल शेप होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर, और ओवल आपका नॉर्मल स्टेट में देखने को मिलता ही है मेजोरिटी ऑफ द प्लांट में, ये राउंड या ओवल शेप का हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे गिर्डल शेप याद करना है यूलोथ्रिक्स का, स्टिलेट याद करना है जाइगोनिमा का, क्योंकि आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। जो जाइगोनिमा है ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और यूलोथ्रिक्स वाला ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा आप लोग डायरेक्टली नाम से डेराइव कर सकते हैं, तो आपको बाकी याद ना भी हो तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब मैं आपको डायग्राम के बेसिस पर सारी चीजें एक बार में ही इलेबोरेट करवा देता हूं कि आज के लेक्चर में होने क्या क्या वाला है। सिंस द क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, इसे आप बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट या OMC। इसके अंदर आपके इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के, इसे आप बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट या फिर आप इसे बोल देंगे IMC। ये आपकी बात हो गई। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है इसे आप क्या बोलते हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को आप बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो कि आप इसे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी बोल रहे थे। इसके अंदर जो आपकी मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसे आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल रहे थे इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर इसका स्पेसिफिक नाम है। इस मैट्रिक्स को आप लोग क्या बुलाते हैं, इस मैट्रिक्स को आप लोग बुलाते हैं स्ट्रोमा, इसे आप बुलाते हैं स्ट्रोमा, ओके। और इस स्ट्रोमा के अंदर आपके काफी सारे बैटरी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के। ये आपका एक सिक्का है समझ लीजिए, तो ये सिक्का है, दूसरे सिक्के के ऊपर है, तीसरे सिक्के के ऊपर है, एंड सो ऑन, यानी एक के ऊपर एक जब ये सिक्के अरेंज हो जाते हैं मेम्ब्रेन के सिक्के, तो ये क्या बना लेते हैं आपका ग्रेना बना लेते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला, ग्रेना बोला। और इस ग्रेना का जो सिंगल सिक्का है, ओके सिंगल पीस जो है ये वाला, इसे आपने क्या बोला, इसे आपने बोला थाइलाकॉइड। तो यहां पर ये आपका पूरा का पूरा ग्रेना है, दिस ह्यूज यूनिट इज कॉल्ड एज अ ग्रेना, बट यहां पर जो सिंगल आपका ये स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसको आप क्या बोलते हैं थाइलाकॉइड बोलते हैं। और इस थाइलाकॉइड के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है समझ लीजिए, ये एक थाइलाकॉइड है, तो इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है मेरे दोस्त, इस थाइलाकॉइड के अंदर है आपका ल्यूमन, ओके इस थाइलाकॉइड के अंदर आपका ल्यूमन प्रेजेंट है, यानी सेंट्रल स्पेस प्रेजेंट है, ओके ल्यूमन प्रेजेंट। इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी कंसेप्ट। सो आपका ये एक ग्रेना है कंप्लीट, या आपका दूसरा ग्रेना है, या आपका तीसरा ग्रेना है, से मल्टीपल ग्रेना यहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके सो यहां पर ये जो ग्रेना 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 प्रेजेंट है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनको कनेक्ट करने वाली चीज को आप बोलते हैं लैमेली। तो ये जो मेम्ब्रेन है जो इन्हें कनेक्ट करेगी, इसे आप लैमेली बोलते हैं, ओके लैमेली। और ये लैमेली कहां से पास हो रही है, आपके स्ट्रोमा से। अगर आप देखेंगे बेसिकली यहां पर, तो ये वाला रीजन क्या है आपका स्ट्रोमा रीजन है ना, ये वाला रीजन आपका स्ट्रोमा रीजन है, तो आपकी जो बीच की मैट्रिक्स है उससे पास होकर जा रही है आपके मेम्ब्रेन, तो इसे आप लैमेली तो बोलेंगे, लेकिन किस प्रकार की लैमेली बोलेंगे, आप इसे स्ट्रोमा लैमेली बोलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रोमा से पास हो रही है, क्योंकि ये दो ग्रेना को कनेक्ट कर रही है, सिर्फ इस वजह से आप इसे ग्रेना लैमेली नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रोमा से पास हो रही है, तो आप इसे स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। अदर देन दैट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज योर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, तो यहां पर आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे, विच आर गोना बी 70S इन नेचर। यहां पर आपको कुछ DNA भी देखने को मिलेंगे, ऑलराइट, और यहां पर RNA के मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, विच आर प्रेजेंट ओवर देयर। इसके अलावा भी काफी सारे ग्रेन्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये जो बड़े वाले हैं ये आपके स्टार्च ग्रेन्यूल हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है आपका फूड बनता है, ऑब्वियसली यहां पर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में आपकी ग्रीन एनर्जी, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल होगा, विच इज अ ग्रीन पिगमेंट, जो कि आपकी फोटिक एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इन द कार्बोहाइड्रेट। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, लेट से आपका ग्लूकोज बना या फिर आपका सुक्रोज बना। तो एक ग्लूकोज जुड़ जुड़ कर प्लांट में किस तरीके से स्टोर होता है, आपका स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, सो यहाँ पर आपको स्टार्च ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैट और ऑयल के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, तो
तो यहाँ पर आपको जो है लिपिड ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फैट और ऑयल दोनों के दोनों आपके लिपिड की कैटेगरी में आते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। आपके दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिन्हें आप बोलते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है ना मेरे दोस्त, जो आपका लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन, ये अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं। पहली बात तो इस ग्रेना का स्ट्रक्चर देखो, मैंने आपको बोला था बैटरी जैसा है, और बैटरी क्या करती है आपकी लाइट लाने में काम करती है। तो लाइट रिएक्शन आपका बैटरी लाइक स्ट्रक्चर यानी ग्रेना में होता है, जबकि आपका डार्क रिएक्शन, ओके, आप यहां पर याद करो डीआर से डार्क, तो डॉक्टर साहब आप याद करो, ओके, सो डीआर फॉर डार्क रिएक्शन एंड एस फॉर स्ट्रोमा, सो ये आपका कहां होगा, स्ट्रोमा में होगा। इस ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपका कहां कहां हुआ था। ऑलराइट, सो दैट्स करेक्ट, लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स चेक आउट द डिटेल्स। आपका ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, बिल्कुल सही। स्ट्रोमा के बारे में हम जान चुके हैं, ये आपकी मैट्रिक्स होती है। थायलाकॉइड के बारे में हम जान चुके हैं, ये आपकी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके की, इन्हें आप थायलाकॉइड बोलते हो, जिनके सेंट्रल पार्ट को आप लोग बोलते हो ल्यूमन। ओके चल, ओके, तो स्ट्रोमा लैमेली के बारे में हम जान चुके हैं, दो ग्रेना को कनेक्ट करता है, आपके थायलाकॉइड के अंदर ल्यूमन प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी जो आपका एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट बनेगा या जो आपका प्रोटीन बनेगा इन द सेंस क्लोरोप्लास्ट इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, तो उसके जो मैट्रिक्स होगी उसमें प्रोटीन भी तो बनेंगे ना, खुद के कुछ प्रोटीन तो बनाएगा क्लोरोप्लास्ट एटलीस्ट। तो जो प्रोटीन बनने का काम रहता है या फिर कार्बोहाइड्रेट बनने का काम रहता है वाया फोटोसिंथेसिस, ये आपका कहां होगा, स्ट्रोमा में। अगर ये स्ट्रोमा में होगा तो डॉक्टर साहब से याद किया था हमने अभी, अगर ये स्ट्रोमा में होगा तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, ये आपका डार्क प्रकार का रिएक्शन। ओके, तो यहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे, जिसको हम फोटोसिंथेसिस में बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। नाउ क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थायलाकॉइड एंड फॉर्म्स क्वांटोसोम, यानी क्लोरोफिल जो आपके थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहते हैं, जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था हमने थायलाकॉइड का, ये एक के ऊपर एक थायलाकॉइड अटैच रहती है, ये जो थायलाकॉइड है इसकी मेम्ब्रेन है रेड वाली जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं, इस मेम्ब्रेन में दोस्त तुम्हारा क्या होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वगैरह आपके यहां पर इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस मेम्ब्रेन। तो ये जो आपके पिगमेंट्स होते हैं ना, ये एक यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उस कंप्लीट यूनिट को आप लोग बोलते हो क्या, क्वांटोसोम। ओके, क्वांटम मतलब क्या होता है, क्वांटम यानी कि आपका जो लाइट है फोटोन है उनको एब्जॉर्ब करने वाला, और सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जो आपके लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी पिगमेंट का एक ग्रुप है, एक झुंड है। तो इस क्वांटोसोम में अराउंड 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 160 से भी ज्यादा आपके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइमरी मॉलिक्यूल्स, एंड 70 के आसपास क्लोरोफिल बी होते हैं, एंड अदर देन आपके 280 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स 50 के आसपास आपके कैरोटीनॉइड होते हैं। ये आपका एग्जैक्ट डेटा है, ये आपसे कभी पूछेगा नहीं, ये आपके रेजोनेंस के मटेरियल में गिवन है, वैसे आपसे कभी पूछेगा नहीं, तो इसको आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। क्वांटोसोम पे पहले क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता है। दिस पॉइंट इज जस्ट एडेड टू गिव यू एन ओवरव्यू दैट हाउ डज इट बेसिकली हैपन। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो अभी आप इसे छोड़ सकते हैं। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी काफी ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें आपका ग्रेना एब्सेंट होता है, यानी आपका जो लाइट रिएक्शन का जो बैटरी है वो आपका एब्सेंट होता है, जैसे कि बंडल शीथ सेल ऑफ C4 प्लांट। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं, जो कि हायर टेम्परेचर पे प्रेजेंट होते हैं, हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनके जो बंडल शीथ है, यानी जो उनके वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम को कवर करने वाली जो शीथ सेल्स होते हैं, उनमें आपके ये देखने को मिलते हैं, यानी उनमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ग्रीन एल्गा में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ ये बंडल शीथ सेल ऑफ C4 सिर्फ ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक टॉपिक है जिसको आप बोलते हैं इशियोलेशन, ओके, और इशियोलेशन क्या होता है, आप जब किसी पर्टिकुलर प्लांट को जब आप शेड में रख देते हो, यानी छाया में रख देते हो, उसे काफी टाइम से धूप नहीं मिली है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली आपका फेड हो जाएगा, ओके, वो आपका फेड हो जाएगा। तो उस फेड होने के कारण वहां पे कुछ क्या बनती है, नई आपकी प्लास्टिड बन जाती है, जिसे आप इशियोप्लास्ट बोलते हो। सो व्हाट इज इशियोलेशन, इशियोलेशन इज समथिंग व्हेन यू केप्ट अ प्लांट इन शेड, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस बंद हो जाती है, तो आपका प्लांट जो है पेल होने लगता है, क्योंकि उसका कलर जो है अब गायब होने लगता है। अगर आप लंबे टाइम तक शेड में रखो तो अपनी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज को सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं बन रही है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बन रहा है, जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है उसको वो कुछ दिनों में यूज कर लेगा, फिर क्या करेगा, फिर अल्टीमेटली उसके पार्ट जो है रेग्रेस होने लग जाएंगे, बिकॉज
उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो तो वो यूज कर चुका है, नई एनर्जी उसमें बन नहीं रही है विदाउट फोटोसिंथेसिस। तो अल्टीमेटली अब वो अपने पार्ट्स को क्या करने लगता है, धीरे धीरे उसमें क्लोरोफिल का अमाउंट भी कम होने लगता है, आपके बाकी सारे पिगमेंट जो है वो भी आपके धीरे धीरे डीजनरेट या डिग्रेड होने लगते हैं। सो बेसिकली यू विल फाइंड दैट द प्लांट इज गोइंग फेड विद टाइम, राइट। सो ये आपके प्लास्टिड यहाँ पर खत्म हो गए हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर ली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं इसे अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओजोन 2.0 को सब्सक्राइब करना और मेरे टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना। इन दोनों चीजों को आप कर सके तो एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। आपको सिर्फ 2 क्लिक्स करने हैं एंड यू आर जस्ट 2 क्लिक्स अवे टू गेट ईच एंड एवरी लिंक ऑफ ऑल द वीडियोज ऑफ माइन। बिकॉज जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूं, मैं पहला काम यही करता हूं कि मैं लिंक उठाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, जिससे काफी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत पहले से बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है उन्हें भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी बहुत कम बचा है इस टॉपिक का, इस चैप्टर के टॉपिक्स, जैसे कि आपका अभी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स बचे हुए हैं जो कि एक लेक्चर लेंगे, सिलियर फ्लैजेला आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर अप इन 1 लेसन ओनली, एंड आफ्टर दैट आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम बचा है, उसके अलावा आपके बहुत कम टॉपिक्स है जैसे न्यूक्लियस और क्रोमोसोम, उसको मैं इकट्ठा कराऊंगा एक ही लेसन के अंदर, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू बायोमोलिक्यूल्स, और उसके साथ हम 12th का एक चैप्टर चलाने की कोशिश करेंगे, दैट इज ईदर जेनेटिक्स और द इकोलॉजी। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इकोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आती, और वो एंड में इस टॉपिक में लटक जाते हैं। आई वॉन्ट कि हम स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स करें जो आज तक आपको कभी पसंद नहीं आए, बिकॉज वहीं से इंटरेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।